आप सब मेरे साथ क्या करने वाले हो? देखो जेनी, तुम इंडिया में आई और साढ़े नेपे नहीं, तो तुम कैसे आई इंडिया में? मैं इंडिया प्लेन से आई। वो बात कर ही नहीं रही मैं, पर अगर तुम इंडिया में आओ और साड़ी ना पहनो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। Oh, now I got it, what you wanted to say. इसलिए तो मैंने जेनी को साड़ी दी थी। Yeah, I love that saree. और अब बारी है तुम्हारी साड़ी पहनने की। Oh really? I'm so much excited. समझो ना जेनी, अगर तुम मेरी शादी सच में यहाँ पे हो गई, तो कितना मजा आ जाएगा इंडिया में ना हमारे साथ तुम रहोगी। हम नवरात्रि में साथ में गरबा खेलेंगे। हाँ जेनी, कितना मजा आएगा। मैं तुम्हारे साथ चुगलियां करने नहीं आऊंगी। शादी का मैंने अब तक अच्छे लड़कों की कमी नहीं है इंडिया में, हमारी सोसाइटी में भी होगा एक डेढ़। शर्मा रही है, देखो कैसे, देखो तो लाल लाल हो गए टमाटर जैसे। चलो पहनते साड़ी और करते साजो श्रृंगार। ओके, सो मैं क्या करूं? जेनी एकदम ऐसा खड़ी रहो, ये देखो। जेनी जरा सीधे खड़ी रहो, झुको मत। ऐसा ऐसा क्या है, झुकना नहीं है। मुझे गुदगुदी हो रही वहां पे। इसमें काहे की गुदगुदी, झुको जरा सीधे। मैं चाहती हूँ पर मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। मेरी श्रेया तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती। एक काम करते, क्यों ना हम इसे बंगाली साड़ी पहने। बहुत सरस आइडिया, क्या जबरदस्त आइडिया है। जेनी पहनोगी क्या वो बंगाली साड़ी? बंगाली साड़ी शर्वरी जी पहनती है। ओ या, अच्छी लगती है ना वो? यस, मुझे वो काफी पसंद है। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। चलो फिर बंगाली साड़ी पहनाते, पर मुझे नहीं आती। सुमित्रा, मुझे तो एक ही साड़ी ढंग की नहीं पहननी आती। एक काम करते ना, शर्वरी जी को ही बुलाते। हाँ, सोनार का काम सोनार को ही करना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, शर्वरी जी को बुलाती हूँ। शर्वरी जी। क्या हुआ सुमित्रा? आइए ना नीचे, 5 मिनट, एक इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है। क्या हुआ? जेनी को बंगाली साड़ी पहननी है और हमको पहननी नहीं आती, इसलिए आपको बुलाया क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो। ठीक है, मैं जेनी को साड़ी पहना देती हूँ। शर्वरी, मुझे आपकी साड़ी पहनने का तरीका बहुत पसंद है, एंड आई रियली वॉन्ट कि मैं आपकी जैसी साड़ी पहनना सीखूँ। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। ये लीजिए। अब आएगा मजा। हाँ, मुझे तो अभिजीत का एक्सप्रेशन देखना है जब ये जेनी को देखेगा। अगो भाई, जेनी तुम्हारे ऊपर ये साड़ी काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू शर्वरी। आप ये जो गले में पहनती हो, वो आपके पास है क्या एक्स्ट्रा? है ना, क्या आप ला सकती है वो? हम जेनी को एकदम बंगाली लुक देते हैं ना। ठीक, बिंदी भी लाना अपनी बड़ी वाली। क्या बात है शर्मिला, तुम तो पूरी की पूरी कोमोलिका बन गई हो। बनना पड़ा तुम्हारे लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? अब तो अभिजीत की नजर बिल्कुल नहीं हटेगी। शर्मिला, अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया है, कितनी सुंदर लग रही जेनी। थैंक यू शर्वरी, तुम्हारे बिना ये इम्पॉसिबल था। थैंक यू शर्वरी जी, अभी आप जा सकती हो। आपको रुकना ही तो रुकिए, पर अभी हो गया आपका काम। मेरे पास भी टाइम नहीं। यप्पी! जेनी कहाँ चली? नहीं, क्या खिचड़ी पका रही हो चुचंद्रिया? सासुमा, अपनी नजर जरा उधर तो घुमाइए। हेलो स्वीट दादी, कैसी लग रही है जेनी? जेनी, हमने मिलकर जेनी को शर्वरी जी का लुक दिया है। ये क्या कर दिया? कैसा लगा आपको शर्वरी लुक? बहू रानी, जरा नीचे जो श्रेया की दादी, मैं आपकी बहू नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकती।
साशी बोले नहीं साशी बहन इनको भी मारिया तुम्हें ला रही है ना ला मेरे पास ला उसको साशी बहन ऐसा नहीं चलता सबको मार खानी पड़ेगी क्या है क्या कर दिया ये जेनी का देखिए जेनी को साड़ी पहनी थी इसलिए हमने पहनी है हाँ ना जेनी को ये पहननी थी साड़ी हमें मारने की क्या जरूरत है मैनर्स लेस हो तो नॉर्मल साड़ी पहननी चाहिए ना शर्वर जैसा लुक क्यों किया ये देखो जेनी तुम बहुत सुंदर हो पर किसी का लुक कॉपी करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा शर्वरी का लुक कोई कॉपी कर ही नहीं सकता अरे वो वन पीस पूरे वर्ल्ड में उसका साड़ी का लुक कोई मैच ही नहीं कर सकता क्या दिखती है वो साड़ी में बुरा मत मानिए सुरमा पर जेनी शर्वरी से 10 गुना अच्छी लग रही है 10 चुप कर चल तुझे मैं न्यू लुक देती हूँ हाँ आ गई मेरी फॉरन की बाबी डॉल वापस सच में पहला वाला ये अच्छा था तू चल मेरे साथ अगर